सो हे गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज़ यार, अभी सुबह सुबह आ गया हूँ मैं अपने खेत पे, यानी कि ये दूर वाले खेत पे जहाँ पे बम्बी आई हुई है। और भाई यहाँ पे ना दवा डाली है, तो जो अभी मैं कल लेके आया था। और भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस इस खेत पे यही है कि यहाँ पे भाई पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब पानी भाई बहुत दूर से लाना पड़ता है, वो जो तालाब है ना उस साइड खेत से। अभी एक दो बार डाली है मैंने। और भाई मेन चीज़ ये है कि मैं अकेला आया हूँ, मतलब कोई नहीं आया, मैं अकेला ही डालूंगा। हालांकि बोल तो रहे थे पापा कि चलते हैं मैं भी साथ में। हमने कहा चलो अब आप रहने दो, मैं अकेली डाल के आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीन टंकी डालनी है तो थोड़ी देर में हो जाएगा। हालांकि वो वाला खेत है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है पानी की, क्योंकि बेल ट्यूब है, तो बेल ट्यूब से भर के ले आते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो भाई दूर से लाना पड़ता है। तो चलो भाई अभी ना सीधे, पहले तो अभी ये टंकी लाद रखी है तो खाली है, क्योंकि घर से खाली लेके आया था। मैंने कहा वहीं पे भर लूँगा, सीधे तालाब पे चलते हैं, वहीं पे भरते हैं चल के। अभी भाई जब पिछली बार अभी ना यहाँ पे खाद फैलाने आए थे, तब तो खेत में घास नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी तो देखो भाई हल्की हल्की कहीं की पे घास दिख रही है। तो आज तो भाई अभी ना वो दवा डालनी कीटनाशक वाली, इनमें भाई कीड़ा लगाए थे, एक रो पत्ते कैसे हो रखे हैं। और भाई यहाँ पे ना योगी बाबा की सेना आई हुई है, जिसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब देखो इस साइड का पूरा चर के गए हैं, मेरा ही खेत नहीं वो वाला भी देखो सब में गए हैं। क्या ही कर सकते हैं भाई। तो उठाते हैं ये, पहले तो पानी भर के लाते हैं। भाई मैं यहाँ पे ना इतनी बार आया हूँ, मतलब बहुत बार आया यार, लेकिन इतना कभी नहीं भरा हुआ देखा मैंने ये तालाब। भाई कितनी यार रास्ता भी नहीं है, एक तो यार हर जगह पे गड्ढा गुड्ढी हो रखे, कितनी बड़ी बड़ी घास खड़ी है। देखो यहाँ तक आ गया तालाब, इससे पहले जब मैं एक बार और आया था तो बहुत पीछे था यार। काफ़ी बड़ा है देख रहे हो, यहाँ तो भाई यार गंदा गंदा हो रखा पानी, कैसे भरूँ यहाँ से। इसमें तो बतख भी हैं, बतख नहीं है इनको, कुछ और कहते हैं यार, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को नहीं पता। भाई मैंने यहाँ पे पानी भर रहा था और मेरे को दो मछलियाँ मिली। भाई मछली हैं, मेंढक नहीं है, दिखाता हूँ, इसके अंदर हैं दोनों, देखो ये। अरे कूद गई यार, दोनों कूद गई पानी में, तो दोनों की एक ही गई, दोनों चली गई। भाई मैंने ऐसे भरा था, ऐसे में आ गई दोनों मछलियाँ। मैं सोचूं भाई कहाँ से आई मछली, अभी इसी गड्ढे में होंगी, फिर से आ जाएंगी। भाई अपना काम तो हो गया ख़त्म, तीन टंकी फैलानी थी भाई, वो फैला दी मैंने। भाई पीछे देख रहे हो योगी बाबा की सेना, यही बता रहा था यही सब चर के गए। तो अभी इसको मैं हाँकने आया था, ये बड़ा ढीठ है यार, भाग ही नहीं रहा है। वैसे भी थका हूँ, भाग सकता नहीं मैं ज़्यादा। ओ भाई मतलब कितना दूर से मैं लेके आया था, हर बार तीन टंकी लेके आया तीन बार, अकेले उठा के रखना भाई पीठ पे, खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता अच्छे अच्छों का। भाई यार मौसम तो एकदम मस्त हो रखा है, हवा हवा मस्त चल रही, चलो भाई चलते हैं घर यार अब। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी ना 9 बजे है, इस खेत का काम तो हो गया ख़त्म। और भाई उस वाले खेत में मैंने मतलब वो वाली दवा डाली थी घास वाली, वो कीड़े वाली तो डाली नहीं थी। तो मैं सोच रहा हूँ भाई चल के डायरेक्ट उस खेत में भी फैला देते हैं भाई। हाँ नहीं तो फिर कल फैलानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा ही लगे लगा निपटा दो सब कुछ। तो वहाँ पे तो पानी की भी समस्या नहीं कि भाई दूर से लेके आना है बेल्टू, भाई पानी भरो फटाफट से निपटाओ। तो चलते भाई उस खेत पे भी निपटा ही देते हैं, क्योंकि दवा अपने पास है ही, टंकी भी है, पानी की वहाँ पर व्यवस्था तो ऑलरेडी है ही सब कुछ। यार इस वाले खेत पे तो आ गए, पानी देखते हैं भैया है कि नहीं है यहाँ पे। भाई पानी नहीं दिख रहा है भाई साहब, पानी उस दिन कितना था। अब इसमें छिपकली भी पड़ी है एक, हेलो छिपकली बाहर निकालते हैं इसको, पहल पे चाहिए, लो आ जाओ इस पे बैठ जा। ओए मर गई क्या, जिंदा है अभी, निकाल देते हैं, रुक जा छिपकली निकालते तेरे को, इस पे आ जा, डब्बे पे बैठ जा, चढ़ जा पागल छिपकली, किधर जा रही है, जा मर जा फिर तो, मैं नहीं निकाल रहा इसको। भाई कितना ऊपर तक पानी था, कितना बचा है पानी, भाई ये मर जाएगी यार,
पूरी डूब गई है, ये मेरे आई नहीं रही है, मैं इसको पकड़ रहा हूँ। आ जा इस पर, चढ़ जा, चढ़ जा। अभी मैं छोड़ दूंगा, गिर जाएगी फिर। चढ़ती रहे। अरे अरे देख है यार, ये हरकत कर रही है, एक तो बात ही है, इस पे बैठी रहे बस। अरे अरे मरना है क्या? मैं तेरे को निकाल लूं फिर भी। चल उतर जा, अब जी ले अपनी जिंदगी। तो भाई चलो यार, टंकी तो लाद ली है। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, पाइप की तो किसी ने बैंड बजा दी यहाँ पे। कोई कुछ लेके गया शायद से, इसीलिए पता नहीं क्या हुआ भाई यहाँ पे। तो भाई उस दिन जब आया था तो ऊपर तक कुंडी भरी हुई थी, क्योंकि हर किसी के खेत में दबाव पड़ रही ना, तो भाई पानी की ज़रूरत पड़ती, जो आसपास खेत वाले वो तो यहीं से लेके जाते हैं। तो इसीलिए भाई हो गई है टंकी खाली। ओके, तो देख रहे हो दबा असर कर रही है, जो अपन डाल के गए थे ना वो दबा असर की है। घास में तो कुछ बदलाव हुआ है, तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं अपन। ये वाली भी दबा डालते हैं। भी दवा का काम था वो तो खत्म कर दिया, उस खेत पे भी फैला दी, इस खेत पे भी फैला दी। अभी चलते भाई घर। भाई अब तो धूप निकला ही, देख रहे हो जब आया था सुबह सुबह तब धूप नहीं थी, अभी निकली है भाई एकदम, तो गर्मी गर्मी फील हो रही है। जल्दी चलते हैं भाई। भाई सुबह का गया हूँ और अभी ना 10:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं घर पे आ गया हूँ। सबसे पहले तो यार फ़ोन को चार्ज पे लगा देता हूँ, क्योंकि जब से मैं गया हूँ तब से नॉन स्टॉप भाई गाना बज रहा है बराबर मेरे इन ईयरबड्स में। मैं घर से लगा के गया था और अभी भी लगे हैं, क्योंकि भाई तभी मज़ा आता है खेत पे काम करने का। और अभी ना फ़ोन को तो चार्ज पे लाइट आ नहीं रही, पावर बैंक में लगाना पड़ेगा, तो उसमें लगा देते और अपन नहा लेते हैं भाई। तो भाई नहाना खाना तो हो गया, अभी चलते बाहर भाई। और आज धूप तो एकदम कड़क कड़क हो रखी है। अरे भाई दोपहर हो रखी, क्या ही खतरनाक धूप है। क्योंकि यार जब से मैं अभी बाहर गया था तब से बाहर ही हूँ, क्योंकि लाइट आती नहीं जब तक एक नहीं बज जाता है, और जब एक बज जाता है तभी आ गया, मतलब जस्ट अभी बिल्कुल हाल हाल। तो मैं भी आ गया घर पे, तो इसको लगा देते चार्ज पे और आराम से करते नींद मारते भाई।